हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी बनाने वाली हैं कटहल का अचार। तो कटहल के अचार के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाती हैं। तो ये मम्मी ने कटहल लिया था आधा किलो के करीब और इसको नमक के पानी में बॉईल कर लिया था और 12 से 13 घंटे फिर सुखाया है धूप में। और ये जो मसाले हैं ये बता देती हूँ, ये जीरा लिया है, ये सौंफ ली है और ये लिया है मेथी दाना, ये ली है कलौंजी या कोई मगरेल कहता है तो मगरेल, और ये ली है साबुत लाल मिर्च सूखी, और ये ली है अजवाइन, थोड़ी सी मम्मी ने हींग भी डालेंगी बाद में तो ये ली है, और ये लिया है धनिया, साबुत धनिया है। तो इन सब मसालों को हमें करना है रोस्ट। तो ये ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में हम सारे मसालों को, साबुत मसालों को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, मसालों में से खुशबू आने लगेगी, वैसे ही हमें इनको निकाल लेना है और इसको पीस लेना है। ज़्यादा पीसना भी नहीं है, दरदरा सा पीसना है। तो ये सारे मसाले मम्मी ने डाल दिए हैं और इनको रोस्ट कर रही हैं। ज़्यादा जलाना नहीं है, भूनना नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर निकालना है। खुशबू आते ही आपको इसको निकाल लेना है। वैसे ये मम्मी की रेसिपी नहीं है, थोड़ी ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे। मम्मी इसको अपना नाम दे रही हैं, लेकिन ये एक दिन पहले नानी को फ़ोन करके पूछ रही थी, मम्मी ज़रा कटहल के अचार में क्या क्या पड़ता है बताना। तो ये तो चीटिंग हो गई ना, ये नानी की रेसिपी, ये मेरी मॉम की रेसिपी नहीं है, मॉम की रेसिपी है। तो ये नानी की रेसिपी है, जो भी अच्छी चीज़ें बनती हैं ना ये नानी से पूछ के बनाती हैं, क्योंकि नानी ही एक्सपर्ट हैं ये सब चीज़ों में। तो ये मम्मी की नहीं है, ये मेरी मम्मी की नहीं है, मम्मी की मम्मी की है। तो यहाँ पे मिक्सी जार में हमने डाल दिए हैं रोस्टेड मसाले, जो थोड़े से ठंडे हो गए थे तब डाले हैं, और इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा रखना है, ऐसा तो नानी ने बताया है कि दरदरा रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से पीस लिया है मम्मी ने, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं बनाया। तो यहाँ पे ये है कटहल, कटहल में अब हमें मसाले सारे ऐड करने हैं एक एक करके। तो मम्मी ऐड करेंगी ये सरसों ग्राइंड की हुई है, सरसों यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हमने डाली है। थोड़ी सी ऐड करी है हमने ये हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, तीखा जितना आपको रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है अचार में। तो ये थोड़ी सी हींग डाल दी है मम्मी ने, और ये डाल दिया है वो जो अभी पीसा था ना मसाला हमने रोस्ट करके मसालों को, ये डाल दिया हमने 2 चम्मच भर के, ज़्यादा भी नहीं डाला है, 2 चम्मच डाला है। तो ये अब हमें डालनी है थोड़ी सी और कलौंजी, डाल रहे हैं हम ऊपर से, तो 1/2 स्पून के करीब हमने ये डाला है कलौंजी को थोड़ा सा। और अब हम डालेंगे इसमें विनेगर, तो ये है सिरका, ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होता है, खट्टापन लाता है अचार में, अच्छा लगता है। और ये डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के सरसों का तेल, ये तो अभी और पड़ेगा। और अब ये डाला है मम्मी ने 2 से 3 चम्मच नमक। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, जैसे कि सिरका हुआ, सरसों का तेल हुआ, नमक हुआ, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं, इससे हमारा जो अचार होता है वो प्रिजर्व रहता है, साल भर चल जाता है आराम से, ख़राब नहीं होता है। तो ये मम्मी और ऐड कर रही हैं सरसों का तेल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखो। तो अच्छे से इस तरह से हमें मसालों को कटहल के साथ मिक्स कर देना है अच्छे से। तो कटहल अच्छे से मसालों में मिल गया है, ये देखिए। तो अब हमें इसको शिफ्ट कर लेना है एक एयरटाइट जार में। तो यहाँ पे मम्मी इस जार में पहले ये कुछ ऑयल डालेंगी, सरसों का तेल डालेंगी प्रिजर्व रखने के लिए उसको, और बाद में ये शिफ्ट करेंगी कटहल के अचार को जो अभी हमने बनाया है। तो मम्मी अचार रख रही हैं ये कांच के जार में, आप चाहे तो प्लास्टिक का जार भी यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग बर्नी यूज़ करते हैं, बर्नी में भी रख सकते हैं, लेकिन एयरटाइट होना चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो एयरटाइट अगर आप जो भी बॉक्स यूज़ कर रहे हो, डिब्बा यूज़ कर रहे हो, एयरटाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा दिन चल जाता है। तो ये बन के तैयार है हमारा अचार, और मैं ये वीडियो बनाते बनाते इसको काफ़ी बार चखती जा रही थी, तो वाकई में बहुत टेस्टी बनाया है। खैर नानी की रेसिपी अच्छी बनी थी, पर नहीं, मम्मी के भी हाथों में काफ़ी स्वाद है। तो
तो अब मम्मी ने इसमें ऊपर से आधे कप के करीब सरसों का तेल और ऐड किया है। वही मोटिव है कि इसको प्रिजर्व करके रखना है ज़्यादा दिन तक, तो हमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो कटहल का अचार बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे एक काम और करना है, कुछ दिन तक धूप लगानी है, उसके बाद ये गल जाएगा, अच्छे से खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये इतनी ईजी रेसिपी है, मुझे आज से पहले खुद नहीं पता था जब तक मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आज तक खाती रही, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मम्मी कैसे बनाती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा अचार। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।